नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुर्गज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पेज सेटअप करते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करते हैं और रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं। मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम एक पेज पैराग्राफ टाइप कर लेंगे, इक्वल साइन दे के रेंड लिखेंगे। उसके बाद आप जितने पैराग्राफ लिखना चाहते हैं आप वो लिखेंगे और इसे एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर वर्ड आपको दो ऑप्शन देता है पेज सेटअप करने के लिए। सबसे पहले आपको लेआउट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करना है। दोस्तों, नॉर्मली हम जब भी काम करते हैं हम पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, लेकिन अगर आप कोई सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हो तो आप लैंडस्केप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका लैंडस्केप पेपर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर जूम इन करके दिखा दूंगा। दोस्तों, आपका लैंडस्केप पेपर कुछ इस तरह से दिखाई देगा और आपको पोर्ट्रेट करना है तो आपको पोर्ट्रेट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पेपर का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जैसे लीगल पेपर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लीगल पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज का साइज़ है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पेपर यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप B4 यूज़ है, यहाँ पर आपके पास अलग अलग पेपर साइज़ है, आप कोई भी साइज़ यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टम साइज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोर पेपर साइज़ पर क्लिक करेंगे, यहां से आप सेलेक्ट करेंगे कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और आप पेज का साइज यहां से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर ओके करना है, आपका पेज आपको यहां पर दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे यहां पर मार्जिन, अभी आप मेरे पेज पे देख रहे हैं कि हमारे यहां पर लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन और राइट मार्जिन, उसके बाद यहां पर है बॉटम मार्जिन, ये बॉटम मार्जिन आपको दिखाई देगा यहां पर। दोस्तों, अगर आप ये मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपली मार्जिन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नैरो मार्जिन चाहिए आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका मार्जिन चेंज हो गया, ये नैरो मार्जिन आपका चेंज हो गया, बॉटम मार्जिन आपका चेंज हो गया, राइट मार्जिन आपका चेंज हो गया है और टॉप मार्जिन भी आपका चेंज हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से जो आप मार्जिन रखना चाहते हैं तो आपको कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करके यहाँ से आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉप में 1.75 स्पेस रखना चाहते हैं, यहाँ पर बॉटम में आप 1 रखना चाहते हैं, लेफ्ट में आप 1 रखना चाहते हैं और राइट में 1 रखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और इसे आप ओके करेंगे तो आपको मार्जिन यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर टॉप में 1 है हमारा यहाँ पर। उसके बाद जो जो आप मार्जिन सेट करेंगे आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ आप टाइप करें वो दो कॉलम में टाइप हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे दो पैराग्राफ है या तीन पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किए, ये तीन पैराग्राफ अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और टू कॉलम सेलेक्ट करूँगा तो देखेंगे आप मेरे दोनों पैराग्राफ टू कॉलम में सेलेक्ट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं इसे चार कॉलम करना चाहते हैं या तीन कॉलम करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर मेरे पैराग्राफ को तीन कॉलम में सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोर कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल आपको 4 रखना है या 5 रखना है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको सेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मेरा पैराग्राफ जो है वो 5 कॉलम में सेट हो गए हैं। इसे आप नॉर्मली 1 में भी रख सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल मैं 2 रख देता हूँ, यहाँ पर 2 पे मैंने रखा। उसके बाद इसे आप लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट में रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप दे सकते हैं। लेफ्ट में आपका स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, राइट में स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ से राइट और लेफ्ट कर दें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे क्लिक करके आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से पेज ब्रेक है, आप कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं कॉलम ब्रेक है, टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं आपको सिंपली जस्ट पेज पे क्लिक करना है तो आपका पेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर आप कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ब्रेक पे जाना है और यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपका कॉलम जो है वो ब्रेक हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आप पेज को सेशन नेक्स्ट पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जो भी हमारा पेज था, जो हमने सेशन टाइप किया था, वो नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट हो गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर कितनी लाइन टाइप की हुई है
तो आपको सिंपली क्लिक करना है लाइन नंबर पे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लाइन नंबर दिखाई देगा कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 11, फिर यहाँ से 23, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पेज के ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी लाइन आ जाए तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और रीस्टार्ट इच पे क्लिक करना है। जैसे आप रीस्टार्ट इच पे क्लिक करेंगे, आप अगर इस पेज पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसे भी आप लाइनिंग नंबर दे सकते हैं। देखिए यहाँ से लाइनिंग नंबर हमारी कंटिन्यू हो गई है, ये देखिए कंटिन्यू 23 24। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको 25 भी दिखाई देगा, आपको यहाँ पर 25 भी लाइन दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नेक्स्ट पेज पे मेरा लाइन जो है वापस से नंबर 1 से स्टार्ट हो, तो उसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वन पेज यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो जाएगा काउंटिंग। उसके बाद आप इसे निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप रिस्टार्ट इस सेक्शन करना चाहते हैं तो आप इसे वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक, या आपको अगर लाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसे निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे नन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लाइन काउंटिंग दिखाई दे रही थी वो यहाँ से अभी निकल जाएगी। आप इस पर भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लाइनिंग पे आ जाएंगे और इसे नन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो पेज आप सेलेक्ट करेंगे उस पेज की लाइनिंग वहाँ से निकल जाएगी। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके इसे यहाँ से नन पे से क्लिक करके निकाल दूँगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर है हाइपनशन। मान लीजिए अगर आप कुछ एक वर्ड टाइप कर रहे हैं और आगे की तरफ जगह नहीं है तो वहाँ पर हम आगे स्पेस छोड़ के कुछ काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमारे कुछ वर्ड यहाँ पर रह गए, चेंज रह गए हैं। इसे मैं एक सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि इस तरह से हम हाइपनशन का यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से होम पर इसे क्लिक कर दूँगा, यहाँ से जस्टिफाई पर क्लिक कर दूँगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा मैं लेआउट पे जाऊँगा। लेआउट पे आने के बाद यहाँ पर अगर मैं हाइपनशन यूज़ करता हूँ और इसे ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन मुझे दिखाई देगी, डैश लाइन आपको दिखाई देगी। अगर थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे हेडिंग, हेड डैश ING हेडिंग। तो जो भी हमारा वर्ड, अगर पूरा वर्ड नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन का OP-शन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम हाइपनशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हाइपनशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपली आपको यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करके नन पे क्लिक करना है, या अगर आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना है, सब नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप यहाँ से मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप अपने पैराग्राफ को थोड़ा सा इसको सेटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अभी कॉलम निकाल देना, कॉलम को निकाल देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके कॉलम 1 ही रखता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ा आगे से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसका एक सिंपल तरीका, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको इंडेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेफ्ट से आप इंडेंट चेंज करना चाहते हैं पैराग्राफ का तो वो आप पैराग्राफ का इंडेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर राइट से आप करना चाहते हैं तो राइट से भी इसे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज, यहाँ से भी इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि पेज के पहले आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पर आप आएंगे, बिफोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्पेस आप ले लेंगे, ठीक है, तो आपको पेज के पहले आपको स्पेस मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेज के बाद आपको स्पेस, पैराग्राफ के बाद आपको स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको इस तरह से आप अपनी पेज की सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह से हम रैप टेक्स्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, फाइल में क्लिक करता हूँ, सॉरी इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ से मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इसे इंसर्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे मेरे पेज के ऊपर एक पिक्चर दिखाई देगी आपको कुछ इस तरह से। अगर इस पिक्चर को आप थोड़ा सा इसका साइज छोटा करेंगे तो आप इस पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ से इसे सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज आपको सेंटर में कुछ इस तरह से दिखाई देगी।
लेकिन दोस्तों जैसे मैं आपको बताया था कि हम लेआउट पे काम कर रहे हैं, तो रैप टेक्स्टिंग का क्या यूज़ है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इतना स्पेस नहीं हो, तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं उस पैराग्राफ को चेंज कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ये एकदम इसके ऊपर आना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसे रख लिया, इस पैराग्राफ को मैंने यहाँ टाइप यहाँ रख दिया। अब देखिए अभी जो इमेज है, जो मेरे पीछे टेक्स्ट है, चला गया, इमेज आगे आ गई और टेक्स्ट पीछे की ओर चला गया। तो यहाँ से मैं सेंड टू बैक या फ्रंट टू बैक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सेंड मेरी इमेज जो है वो पीछे की ओर चली जाएगी, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। अब आप देखेंगे टेक्स्ट ऊपर आ गया और इमेज पीछे की ओर चली गई। इसे मैं वापस से दोबारा ऊपर करूँगा, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पिक्चर आपकी आगे की ओर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट बता रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैंने फर्स्ट स्क्वायर को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे मेरा पैराग्राफ जो है वो एक स्क्वायर की ओर आपको दिखाई देगा। जैसे मैं स्क्वायर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ स्क्वायर में आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ थोड़ा सा टाइट हो जाए, तो आप देखिए यहाँ पर आप पैराग्राफ थोड़ा टाइट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वो चीज़ को, स्पेस को वो कवर कर लेगा, यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर आप चाहेंगे थ्रू तो आप इसके थ्रू क्लिक कर सकते हैं इमेज को। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके अगर आप रखना चाहते हैं ऊपर और बॉटम में स्पेस रखना चाहते हैं बीच में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट उसके आगे की ओर आ जाए या पीछे की ओर चला जाए, तो यहाँ से आप टेक्स्ट बिहाइंड फ्रंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ डिज़ाइन बनाना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वर्ड देखिए मेरा पीछे की ओर चला गया है, या इसे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट दिखाई देगा। दोस्तों जैसे आप न्यूज़पेपर में काम देखते होंगे कि बॉम्बे टाइम्स, अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो उसमें इस तरह की रैप टेक्स्ट को काफ़ी तरीके से यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मूव विद टेक्स्ट के साथ में है, अगर आप कहीं पर मूव करना चाहते हैं इसे, तो आप देखिए आप इसको मूव भी कर सकते हैं, अरेंज करना चाहते हैं तो कहीं पर भी आप इसे अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।